एसएसपी ऑफिस स्थित जिला साइबर सेल में काम करने वाले पुलिसकर्मियों व अफसरों की टीम ने वो कर दिखाया जो मुश्किल नजर आता था। बीते 3 महीने में शहर से खोए या चोरी किए गए 102 मोबाइल जो एप्पल, सैमसंग, सोनी, नोकिया, एमआई सहित अन्य बड़े ब्रांड के थे, उनको ढूंढ कर निकाला है। एसएसपी ग्वालियर अमित सांगी ने बताया कि ये चुनौती भरा था क्योंकि मोबाइल चोरी करने वाले उसे काफी क्लीन कर देते हैं। इसके बाद कुछ ही समय में वो इतने हाथों में बेचा जाता है कि चंद दिनों में कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। पर हमारी साइबर सेल की टीम लगातार इन चोरी या गुम हुए मोबाइल को ट्रेस करती रही, जिसके बाद ये सफलता मिली। साइबर सेल की टीम ने ये कामयाबी ऐसे ही नहीं पाई। 5 लोगों की टीम लगातार अल्ट्रा नेट इन मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर जांच कर रही थी। जिस मोबाइल की कुछ भी डिटेल मिलती उससे अफसरों को अवगत कराकर पुलिस की टीम की मदद से उसे वापस लाया जाता। 60 मोबाइल तो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में ही मिल गए, शेष के लिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व केरल तक जाना पड़ा। राजवीर सिंह तोमर, भूरा रजक, योगेश उपाध्याय, उमेश कुमार तिवारी, बरसा कचेरा मैडम आ जाइए आप, देवेन सैनी देवेन सिंह, राजेंद्र सिंह, हर्षिता नवल, दिनेश कुमार, धीरज पांडे, भूरा रजक। लगभग 107 मोबाइल जो हैं, जिनकी कीमत 18 लाख रुपए के आसपास है, इसमें सभी स्मार्टफोन हैं और अच्छी कंपनियों के हैं। ये पिछले 3 माह के अंदर जो गुम हुए थे, जिसमें हमारे सैन्य कर्मी भी हैं, पुलिस कर्मी भी हैं, सफाई कर्मी भी हैं, शॉपकीपर्स भी हैं, गृहणियाँ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इन सब के अलग अलग अपने काम के दौरान घूमना अथवा गिर जाना मोबाइल का पाया गया था। और इनको 3 महीने साइबर सेल ने ट्रेस करके और आज इनके मूल धारकों को लौटाया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो लोग यहाँ मोबाइल लेने आए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि दूसरा मोबाइल नहीं खरीद पाए, उनकी आय इतनी नहीं थी, या पहले मोबाइल की ईएमआई उनकी खत्म नहीं हुई थी और मोबाइल चोरी चला गया था या गुम गया था। तो ये कुल मिला के कोशिश साइबर सेल द्वारा की गई है कि जो लोगों के मोबाइल गुम जाते हैं उनको लौटाया जाए। और ये अभियान हमारा सतत जारी रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो मोबाइल गुमने की रिपोर्ट होती है इसको हल्के में ना लिया जाए। मैंने थानों को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि यदि मोबाइल गुमने की रिपोर्ट आती है तो फरियादी को थाने से बिल्कुल ना लौटाया जाए, उसको प्राप्ति दी जाए और उस एप्लीकेशन को साइबर सेल में भेज दिया जाए, जिससे कि हम लगातार ट्रेस करके और लोगों के ये मोबाइल लौटा। ये मध्य प्रदेश के कई शहरों में जाना पड़ा और अगल जो यूपी है, यूपी में भी वैसे मुख्यतः जो मोबाइल मिले हैं वो एमपी में ही मिल गए हैं और एक दो प्रकरणों में हमको राज्य के बाहर भी जाना। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।